अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोगों के? उम्मीद है आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। असल में मैं केज में आया हुआ हूँ। केज मेरे सर पे लग रहा है। असल में मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा है। केज मैंने रहता है 6 फीट का और मेरी हाइट है 6 फुट 5 इंच। तो मेरा आज वीडियो बनाने का मकसद ये है कि काफ़ी लोगों के कबूतर सुस्त बैठे होते हैं, जिसकी वजह से उनको पता नहीं चलता कि क्या रीज़न है। अब उसमें कुछ रीज़न ऐसे हैं जो कुछ वजूहत हैं, जैसे किसी के पेट में छाल, वो पोटे की गर्मी की वजह से मुंह में छाले निकल जाना, या गर्मी से गर्मी लग जाना, और उसके अलावा बुखार वगैरह, उसकी क्या क्या अलामत है वो तो आप जब तक नहीं चेक कर सकते जब तक आप उसकी चोंच खोल के मुंह नहीं देखेंगे। आप अंदर से जब आप मुंह खोल के देखेंगे अगर छाले हो रहे होंगे तो उसके लिए फिर मेडिसिन अलग है। अगर पोटे का कोई इशू है तो वो पेट की गर्मी से छालों की ही मेडिसिन चलेगी। और अगर बुखार हो रहा है तो उसकी अलग मेडिसिन है। बुखार से रिलेटेड मैं अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है? अभी तो मैं सिर्फ पोटे की और छालों की वीडियो के लिए, समझ लें, अभी मैं आप लोगों से डिस्कस करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं भी आपको दिखाता हूँ, मेरे पास माशाल्लाह से छाले वाला कोई कबूतर नहीं है। मैं सिर्फ आपको एक वो दिखा देता हूँ थोड़ा सा कि आपको किस तरह चेक करना है। तो आप देखिए, मैं अब कैमरे जो है ना बैक स्क्रीन करना है तो किस तरह करूँगा, वो तो नहीं हो पा रहा। चले ये देखें, ये हमने कबूतर पकड़ा, सही है? कबूतर पकड़ने के बाद हमें क्या करना है, ये देखें, ये मैंने खोली इसकी चोंच। चोंच खोलने के बाद आप चेक कर सकते हैं इसकी कि अगर मुंह में छाले हो रहे होंगे तो इसका मुंह अंदर से वाइट वाइट पड़ा हुआ होगा, और अगर छाले नहीं होंगे तो इसका अंदर से रेडिश टाइप का मुंह होगा, और अगर पोट का होगा तो ये सुस्त बैठा हुआ होगा एक जगह पे। तो उसके लिए आपको सबसे बेहतरीन मैं मेडिसिन बता रहा हूँ, फ्लाइजल 400 mg आती है, फ्लाइजल 400 mg। उसके आप उस गोली के आपको 3 हिस्से करने हैं। अब आप चाहें तो उसको छुरी से कर लें, चाहें तो तोड़ के, लेकिन समझ लें साइज़ सेम होना चाहिए उसका। जब साइज़ सेम होगा तो उसमें बेनिफिट ये रहेगा कि उसमें मेडिसिन बिल्कुल इक्वल जाएगी। तो आप उसको फिर क्या करें, 3 हिस्सों को अलग अलग कर लीजिए आप, जिसमें से जब भी आपको किसी परिंदे को देना हो, जैसे किसी को छाले हो रहे हो या कुछ हो रहा हो, तो आप उसके साथ क्या कीजिएगा, आप उसके साथ ये कीजिएगा कि आप पाउडर बना लें उस हिस्से को। जब आप पाउडर बनाएंगे, पाउडर बनाने के बाद फिर हो गया, पाउडर बनाने के बाद आप उसको जो है ना चोंच खोल के पेट में डालना है आपको, यानी कि मुंह में आपने डालने के बाद 5 cc सिरिंज में पानी भरिए और उसको पिला दीजिए। ख्याल ये रखिएगा कि कबूतर कभी भी अगर पानी पिए तो बर्तन साफ़ सुथरा होना चाहिए उसका पानी का, ना उसमें पर होने चाहिए उसके, ना ही कोई उनकी बीट वगैरह होनी चाहिए पानी के अंदर। बीट या पर अगर पानी में आता है तो लाजमी, हम इंसान हैं, अगर हमारे मुंह पानी में बाल आ जाए तो हमारे मुंह में भी छाले हो जाते हैं। इसी तरह ये परिंदे हैं, इनका भी यही हिसाब किताब है। आप इनकी केयर करें, पानी का बर्तन साफ़ रखें पानी पिलाने के लिए, और जब भी आप पानी पिलाएं तो उसको साफ़ कर लिया करें बर्तन को अच्छे तरीके से। उससे ये होता है कि जब साफ़ बर्तन होता है तो साफ़ पानी इनको पीने को मिलता है, और अगर ज़रा सा भी गलाजत होगी, ज़रा सी भी बीट वगैरह होगी पानी के उसमें, तो लाजमी क्या कहते हैं, उनके मुंह में छाले और उनको पोटे का मसला लाजमी होगा। तो बराए मेहरबानी इस चीज़ का ख्याल कीजिएगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा, और अगर आपके दिल में और कोई सवाल है तो लाजमी कमेंट में बताएं मुझे, मैं और इससे रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा। और अगर किसी को समझ में नहीं आया तरीक़ाकार तो वो एक दफ़ा और मुझसे पूछ सकता है रिकॉर्ड अपना कमेंट के अंदर, मैं उसको पूरी डिटेल दे दूँगा। कमेंट में पूछना, कमेंट में फेसबुक के पेज पर जाके पूछना, फेसबुक के पेज पर जाके पूछना, मैं मैसेंजर में, अगर आपको मेरा प्राइवेट नंबर चाहिए तो फेसबुक मैसेंजर में आके आप मेरा प्राइवेट नंबर लेके आप मुझसे व्हाट्सएप पे रابطہ कर सकते हैं।
बाकी आप बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। आप अपना रिज़ल्ट लाजमी चेक कीजिएगा, 2 दिन बाद आपका रिज़ल्ट आपके सामने होगा, कोटे का हो या किसी भी चीज़ का हो, आप लाजमी आप फ़र्क देखेंगे। क्योंकि मैं जो चीज़ आपको बताऊँगा इंशाल्लाह ताला मैं वो अमल करता हूँ, उसके बाद ही मैं जब रिज़ल्ट देखता हूँ उसी के बाद मैं आगे बताता हूँ लोगों को। ये नहीं कि मैं अपनी तरफ से कुछ चीज़ बता दूँ कि खुदा ना खास्ता कि परिंदों को कुछ हो जाए, लेकिन जब भी मैं आपको बताऊँगा तो कन्फर्म करके बताऊँगा, बिल्कुल 100% श्योर होऊँगा, उसका रिज़ल्ट चेक करूँगा, उसके बाद ही मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। और अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो आप प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद मेरे जैसे आप सब्सक्राइब करेंगे तो साथ में आपको बेल आइकन का बटन आ जाएगा, जैसे ही बेल आइकन बटन बना हुआ आता है तो आप उसको बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दें, ताकि जो भी आपको नई मेरी नई वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन होगी वो आपकी मोबाइल स्क्रीन पे या आपके यूट्यूब चैनल के ऊपर या ईमेल के ज़रिए आपको मिल जाएंगी। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नए टॉपिक के साथ, नई बीमारी के साथ और मज़ीद चीज़ों को आपसे डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह ताला। चलें, दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम।